हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज फिर मैं वॉक करते हुए वीडियो बना रही हूँ आपके लिए। फ्रेंड्स, आप में से जब कल का वीडियो था जब मैंने लटकों की बात की थी, तो आप में से सब्सक्राइबर्स ने पूछा कि लटकों को प्लीज़ एक्सप्लेन कर दीजिए पूरी तरह से कि कंप्लीट लटकों कैसे करना है। ओके, सो आज का वीडियो मैंने कहा यही टॉपिक ले लेते हैं कि कंप्लीट लटको कैसे करना है, बिकॉज लटको लटको सब बोलते हैं, लेकिन लटको करना कैसे? ठीक है, सो आज थोड़ी सी बातें करते हैं लटको कैसे करना है। सब आपको बताते हैं कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है इस जर्नी में तो लटको करिए, लटको करिए, लटको करिए, लेकिन लटको करिए कैसे? देखिए, मेरा तरीका बताऊँ आपको, आप मेरा तरीका जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं कि लेट गो करने के लिए कड़वा लगेगा, लेकिन सच है। सबसे पहले ये जो आपको 2-2.5 साल 1.5 साल से, कईयों ने 5 साल से, जो आपका ये जो लेवल है ना लाइफ में TF, इसको उतार फेंकिए। ये जो आपके ऊपर एक टैग लग गया है ना, आपने खुद ही लगा दिया है TF का। बिलीव मी, आपको लगेगा कि ये क्या बोल रहे हो, लेकिन आप जिस दिन इस लेवल को उतार फेंकेंगे, ठीक है, सो समझ लीजिएगा कि आप में वो हिम्मत आ गई है कि आपने लेट गो कर दिया। डोंट थिंक अबाउट TF जर्नी। TF जर्नी के बारे में सोचिए ही मत। आप किसी टाइप की जर्नी में हैं, आप ट्विन फ्लेम्स हैं, आपका कनेक्शन डिवाइन है, ये है वो है, आप सोचिए ही मत। सुनने में बहुत अजीब लगेगा आपको, है ना, लेकिन इसका रीज़न भी बता देती हूँ कि क्यों नहीं सोचना है। देखिए, इस कनेक्शन ने आपको जो देना था वो दे दिया। ओके, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको स्पिरिचुअल पाथ पे ला दिया, आपको डिवाइन से कनेक्ट कर दिया, आपको अनकंडीशनल लव समझा दिया। ओके, नाउ यू हैव टू लेट गो दिस लेबल ऑफ। लेट गो करना है तो ना कनेक्शन को करिए और ना ही जर्नी को करिए, लेट गो करना है तो इस लेबल को करिए। ये जो लेबल आपने लगा दिया ना TF, इसने आपको रोक दिया है। ठीक है, जिस टाइम आपने सोच लिया कि आप इस टाइप के किसी में, किसी टाइप की चीज़ के अंदर हो या इस टाइप के किसी रिलेशन के अंदर हो, तो ये समझ लीजिए कि आपने खुद को उस चीज़ तक सीमित कर दिया। नाउ योर ओनली डिज़ायर, आपने डिज़ायर में फंसा लिया खुद को, फियर में फंसा लिया खुद को, डाउट में फंसा लिया। उस 2-2.5 साल पहले, 5 साल पहले वाले सेल्फ को याद करिए, आप कैसे थे उस टाइम पे? अगर आपका कोई कनेक्शन नहीं चलता, ठीक है, आपका कोई लाइफ में कुछ और होता, आपकी सिचुएशंस जहाँ पे आप हल्का, क्या आप इतना टाइम वहाँ पर लगाते जस्ट बिकॉज आपको लगता है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, आपको डिवाइन ने ये चीज़ दी है, जर्नी दी है, सो इट इज़ नाउ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि आप इसको सफल बनाएं। और चक्कर ये हो गया है कि इसे सफल बनाने की प्यास में या चक्कर में आप इसी जर्नी को असफल बना दे रहे हैं। ठीक है, यही एकमात्र आपकी लाइफ की डिज़ायर रह गई है, यही इच्छा रह गई है, यही आपका फियर ऑफ लूजिंग भी इसी के साथ जुड़ के आता है। अदरवाइज और कोई कनेक्शन होता, क्या आप अभी तक लेट गो नहीं कर चुके होते उसको, जीवन में आगे नहीं बढ़ चुके होते? और कोई इंसान होता, क्या आप उसको लेट गो नहीं कर देते? एंड रही बात आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, एंड नाउ यू आर ऑन द स्पिरिचुअल पाथ, सो लेट इट बी, होने दो। आपको स्पिरिचुअल जर्नी में लाया गया। कभी कभी आपने ये नहीं सुना कि लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्सीडेंट्स के थ्रू होती है, मेजर उनको कोई लॉस हो जाता है, लाइफ चारों तरफ से लाइफ बिल्कुल जो है कोलैप्स हो जाती है उनकी, तब भी तो उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। लोग मौत को छू के वापिस आते हैं, तब भी उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। सो टेक इट लाइक दिस, इसको बिल्कुल सिंपल, जितना इसको सिंपल बनाना आपके हाथ में, इसको डिफिकल्ट बनाना भी आपके हाथ में। अब
जब आपको सब चीज़ पता चल चुकी है, सब आपको अपने बारे में पता है, आपको क्या करना है वो भी पता है, देन अब ये जो TF का लेवल है ना, इसको अपने ऊपर से बिल्कुल शेड कर दीजिए, हटा दीजिए। ट्विन फ्लेम के वीडियोस हैं उनको, एक या तो जो आपको ऑथेंटिक लगते हैं उनको जस्ट जाके, और कभी अगर कोई कंफ्यूजन आपको होता है, कभी कुछ अगर आपको लगता है, तब जाके चेक करिए बस। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों से निकल जाएंगे, ये हर एक चैनल पे जाके चेक करना, काउंसलिंग्स लेना, हर एक को जो है फॉलो करना, एंड उससे क्या होता है कि आप इस कंफ्यूजन से ही कभी नहीं निकल पाते हो। देखिए, आप मेरा वीडियो देखोगे लेट गो वाला, फिर आप जाके किसी और का वीडियो देखोगे लेट गो वाला, फिर आज के दिन के लिए आपने खुद को एंगेज कर लिया। क्या एंगेज कर लिया आपने? आपने एंगेज कर लिया कि ये पर्सन तो ये कह रहा है, अदर पर्सन ये कह रहा है, फिर आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ, तो आप जाएंगे तीसरे के पास, तीसरा कुछ और ही कह रहा होगा। लेट गो आपको अपने अंदर से करना है, लोग नहीं करवा सकते आपसे लेट गो। तो उसका इजीएस्ट वे है, सबसे पहले इस TF का जो लेवल आपने अपने ऊपर लगा लिया है जितने भी टाइम से, उसको बिल्कुल उतार फेंकिए। यू आर अ सिंपल सोल, हर सोल के ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है, हर सोल को डिवाइन प्यार करते हैं, एंड यू आर ऑल्सो अ वेरी नॉर्मल सोल। और उससे ये सच्चाई बदलेगी नहीं कि आप ट्विन फ्लेम हो, लेकिन ये जो आप पलट पलट के खुद को याद दिलाते हो कि आप ट्विन फ्लेम्स हो, एंड वाई योर पर्सन इज़ डूइंग वेल इन देयर लाइफ, आपको लगता है कि मैं ही स्टक होके बैठी हूँ, मुझे ही सब कुछ पड़ा है, मैं ही ऐसी हूँ वैसी हूँ, दू अदर पर्सन जो है उसको देखिए, वो क्यों अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कैसे प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं अपनी लाइफ में, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने उस लेवल से खुद को मुक्त रखा है, उसने उस चीज़ में खुद को एंगेज नहीं किया है, ठीक है। एनर्जेटिकली उनको भी रियलाइज़ होता है, पता लगता है, रियलाइज़ भी होता है, बट बिकॉज दे आर फ्री फ्रॉम दैट लेवल, उन्होंने उस टैग से खुद को मुक्त रखा है। दिस इज इट, लेट गो करना इतना ईजी है। प्रैक्टिकल अप्रोच अपनी लाइफ में जब आप ले आओगे ना, लाइफ जिंदगी जीने के लिए तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच लानी पड़ेगी। स्पिरिचुअलिटी अपनी जगह, उसको पैरेलल चलने दीजिए। आपका अवेकनिंग हुआ, मैंने कहा ना कि लोग की अवेकनिंग एक्सीडेंट्स के थ्रू भी हो जाती है, मौत को छू के लोग वापस आते हैं, तो क्या वो बार बार जाके ट्रक के आगे थोड़ी ना बैठते हैं, बार बार जाके मरने के लिए थोड़ी ना जाते हैं कि नहीं हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, अब तो हमको इसी चीज़ के साथ स्टक होना है। तो फिर ये भी आप इसको भी एक मेजर जो है आपका एनकाउंटर समझिए, एक पर्सन के साथ आपका एनकाउंटर हुआ एंड उसके थ्रू आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ, दैट्स इट। एंड बिलीव मी, जर्नी सक्सेसफुल बनेगी तभी आपकी, जब आप दो चीज़ों को प्रैक्टिकल अप्रोच प्लस आपकी स्पिरिचुअल जो अप्रोच है, जो लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रैक्टिकल लाइफ, उसको साथ साथ चलाएंगे। मैंने अपनी जर्नी से सिर्फ यही सीखा इतने टाइम में। देखिए, डील तो आपको 3D में ही करना है ना, रहना आपको 3D में ही है। सुबह से शाम तक सिर्फ इन चीज़ों को फॉलो करके और इन्हीं चीज़ों को जा के बार बार हर एक चैनल को फॉलो करके तो आप, मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिकली लाइफ में कुछ अर्न कर पाएंगे। सबसे पहले लेट गो इस चीज़ को कर दीजिए, ये जो हर चैनल पे जाके फॉलो करना, फिर कन्फ्यूज़न खुद ही के माइंड को आप काम दे रहे हो दिन भर के लिए खुद को आप एक काम दे रहे हो। किसी का कुछ नहीं बिगड़ रहा, हर चैनल पे जिसको जो कहना है वो आ रहा है और अपनी बात कह के जा रहा है। इट्स यू, आप हो जो उन चीज़ों के बीच में खुद को उलझा रहे हो, कोई चैनल की गलती नहीं है, वो तो अपने विचार को अपने पर्सपेक्टिव से बोलेंगे ही बोलेंगे। वो उनको अगर समझाना है, उनका अगर ये ड्यूटी है, उनको अगर ये ड्यूटी दी गई है, देखिए कोई भी हर कोई तो आके नहीं बोल रहा है ना, जिनको ये ड्यूटी दी गई है कि आपको लोगों को गाइड करना है, तो
वही ये काम कर रहे हैं, लेकिन सब अपने अपने पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। और मेरे कहने का रीज़न सिर्फ यही है कि आपको जो एक एक चैनल को लीजिए जो अगर बेस्ट लगता है आपको, और वहाँ पे जाके जब आपको वो भी इन द सेंस कि जब आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कुछ समझना है, तब जाके करिए। बिकॉज़ बहुत से लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जो जिन्होंने जब इस लेवल से खुद को मुक्त किया ना और अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच को बढ़ाया, तब जाके उनको लाइफ में सेटिस्फेक्शन भी मिला, ओके, एंड अनकंडीशनल लव भी उनको तभी जाके समझ आया। ये इस तरह से डिज़ायर्स में, फियर्स में, डाउट्स में फंसे रहकर तो सालों साल आप फंसे रह सकते हो, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, बिलीव मी। एंड वही फियर्स एंड डाउट्स एंड डिज़ायर्स जो हैं, वो आप जितना उसमें फंसते जाओगे, बार बार मैं आपको कहती हूँ कि यूनिवर्स उसी चीज़ को आपको रिटर्न करते जाते हैं। सो उसी चीज़ को आप बार बार वापस लाइफ में मैनिफेस्ट करते जाते हो, और आप सोचते हो कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मैं फुल मेडिटेशन भी कर रही हूँ, मैं इतना स्पिरिचुअल पाथ पे भी चल रही हूँ, इतना सब कुछ चल रही हूँ, फिर मुझे मेरी चीज़ मेरे लिए चीज़ें क्यों नहीं बदल रही। वो इसीलिए नहीं बदल रही क्योंकि जिस फियर, डाउट और जिस कंफ्यूजन को आप क्रिएट कर लेते हो, केओस को क्रिएट कर लेते हो ना, वही आपकी लाइफ में अगेन एंड अगेन, नो डाउट आप कितने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, बट वही आपका फियर एंड डाउट एंड जो आपकी जिसको कहेंगे केओस, जिसमें फंसे रहते हो आप, कंफ्यूजन, समझ नहीं आता, तो वही चीज़ें, वही वाली परिस्थितियां बार 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 आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती रहती हैं। सो लाइफ की तरफ एक कदम बढ़ाइए, जिंदगी की तरफ एक कदम बढ़ाइए, टीएफ का लेवल हटाइए, वो तो आप हो और रहोगे, ठीक है। उसके लिए आपको रोज़ खुद को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ खुद को यकीन, ना आपको खुद को यकीन दिलाना, ना आपको सामने वाले को यकीन दिलाना, ठीक है। और लाइफ की तरफ एक कदम बढ़ाइए, जिंदगी की तरफ आप एक कदम बढ़ाओगे ना, जिंदगी आपकी तरफ हजार कदमों से आपको वेलकम करेगी, हजारों हजार चीज़ें, गिफ्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपके रास्ते में आपका वेट कर रहे हैं, केवल हाथ बढ़ा के आपको लेना है उनको। रिसीव, रिसिप्टिव मोड में आइए, यूनिवर्स को कहिए आई एम रेडी टू रिसीव माय गिफ्ट्स, मैं रेडी हूँ, मैं तैयार हूँ, मुझे मेरे गिफ्ट्स दीजिए, मैं उस लायक हूँ, मैं एबल हूँ, नाउ आई एम एबल टू रिसीव माय गिफ्ट्स। मैं अपने गिफ्ट्स को रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। वो गिफ्ट्स आपको मिलेंगे और लाखों लाख मिलेंगे, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल अबंडेंस हो, चाहे वो आपको ब्लेसिंग्स के रूप में हो, चाहे हजारों हजार सोल, आप यूनिवर्स आपको ऐसे काम में लगा देंगे, शायद हजारों हजार सोल आपको ब्लेसिंग्स देंगी, पता नहीं कितने लोगों का भला होगा आपके द्वारा। आप एक कदम बढ़ा के तो देखिए जिंदगी की तरफ। इससे ये हो रहा है, टीएफ वाले जो कंसेप्ट में आपने अपने आप को फंसा दिया ना, उससे ये हो रहा है कि अब आप एक ही चीज़ पे जाके स्टक होके रह गए हो कि मुझे बस इसे सक्सेसफुल बनाना है। एंड जो जितनी चीज़ों को आप फॉलो करते हो, वहाँ से आपको यही क्लियर होता है कि मेरी लाइफ का मकसद सिर्फ इस जर्नी को सक्सेसफुल बनाना है। यहाँ से क्लियर नहीं होगी चीज़ें, चीज़ें होंगी फिजिकल लेट गो से कुछ नहीं होगा, एनर्जेटिकली लेट गो करिए, लाइफ में अदर चीज़ों को वेलकम करिए। बहुत से लोग हैं जो आपको खुशियां देने को तैयार बैठे हैं, उनको उनको वेलकम करिए अपनी लाइफ में, उनको वेलकम करिए, ठीक है। सो मेरे लिए जो लेट गो के मायने हैं वो मैंने आपको समझा दिए, आगे जो आपको अच्छा लगे प्लीज़ वो करिए, बट मैं ये कहूँगी लाइफ की तरफ एक कदम बढ़ाइए। जो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपको लव अपना देना चाहते हैं, उनकी तरफ एक कदम बढ़ाइए, जिंदगी तैयार खड़ी है आपका वेलकम करने के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल होना बुरी बात नहीं है, उसका लेवल बुरी बात है। एंड जिस तरह से आप स्पिरिचुअलिटी को, स्पिरिचुअल जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए सोच रहे हैं, वैसे वो सक्सेसफुल बनेगी भी नहीं। चीज़ों से मुक्त होना है, बढ़ना नहीं, बंधना नहीं है, ठीक है।
सो ये था मेरा वीडियो लटकों के ऊपर, बहुत इजीएस्ट वे में मुझे लगता है मैंने आपको समझा दिया। आगे आपकी, इट्स अप टू यू, आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है, आपको उसको कैसे करना है, आपका रिलेशन है, आपको उसको कैसे चलाना है, ये सब कुछ आपके ऊपर है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय।